बिना सब्सिडी वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ, 859 रुपए 50 पैसे हुई एक सिलेंडर की कीमत। 32 दिन के बाद डीजल के दाम में बदलाव, 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ डीजल, पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं। पेटीएम और जोमेटो समेत 35 से ज्यादा कंपनियों के आईपीओ ने दी इकोनॉमी को रफ्तार, आरबीआई ने कहा 2021 से आईपीओ का साल। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से आर्थिक तेजी और रोजगार बढ़ने का गडकरी का विश्वास, कहा केंद्र और राज्यों को बतौर जीएसटी मिलेंगे 40,000 करोड़ रुपए। एक्सपोर्टर्स को सरकार से मिला रिफंड का तोहफा, सरकार ने रो डीटीईपी स्कीम के तहत रेट्स का ऐलान किया। पेटेंट आवेदन करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए फीस में 80% की कटौती, अभी तक केवल सरकारी शिक्षा संस्थानों को मिलती थी छूट। यूनिटेक के हजारों घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आखिरी मौका, अदालत ने 30 दिन में रिफंड और फ्लैट में से एक चुनने का विकल्प दिया। एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से मिली बड़ी राहत, क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाया बैन हटाया गया। गोवा के उद्योग संगठनों ने सीएम से चार्टर उड़ानों की अनुमति देने की अपील की, सीएम ने केंद्र तक मांग पहुंचाने का दिया विश्वास। दूसरी तिमाही में वॉलमार्ट के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में जोरदार बढ़ोतरी, भारत चीन जैसे बाजारों के सारे 13% की बढ़ोतरी।